आपको रोजाना कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? किस चीज की प्रैक्टिस? हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यार नसीम शाह का कुछ इंटरव्यू हुआ था अभी हाल फिलहाल में, एक मोहतरमा ने लिया था, तो बहुत कुछ वायरल हो रहा है उसमें से। वीडियो देखेंगे नसीम शाह की कुछ ठग लाइफ मोमेंट्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैमिली में कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं? हाँ, इन्होंने लिया था इंटरव्यू। माशाल्लाह हम 6 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं बड़े। ठीक है समरिया, आपका कौन सा नंबर है? मेरा नंबर है जेसवा। जेस का नंबर मतलब मोबाइल नंबर बता रहा है। अच्छा, बहन भाई सिम कंपनी है ना पाकिस्तान में, मेरा नंबर है 33 पे, मुझे पता है। यार बहुत ही क्यूट वाला जवाब था। आपका कौन सा नंबर है? मेरे शो में जिसका नाम है मेरे दिल की धड़कन। आज हम फिर से जायजा लेने वाले हैं फनीएस्ट इंटरव्यूज का, और आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे दो बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटीज को जिनका नाम है फैसल शाह और नसीम कुरैशी। सॉरी नाम ना आगे पीछे हो गया है, ऐसा करते हैं दोबारा ट्राई करते हैं। फैसल कुरैशी, हम दो बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटीज को शामिल करने वाले हैं जिनका नाम है फैसल कुरैशी और नसीम शाह। तो फिर भाई लोग सीट बेल्ट टाइट कर लो, बच्चे अपनी चोरे में कर लो, और आज वो वीडियो की मार के स्टार्ट करते हैं। नए लड़कों को रोजाना कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? किस चीज की प्रैक्टिस? नए लड़कों को किस चीज की प्रैक्टिस? क्रिकेट की। अच्छा, क्रिकेट। ऐसे भाई साहब, आजकल के दौर में हर बात क्लियर करके बोला करो, नहीं तो काम खराब हो जाता है। अब उसको क्या पता कि आप किस प्रैक्टिस की बात कर रहे हो? मैथ प्रैक्टिस होती है, रनिंग प्रैक्टिस होती है, हॉकी प्रैक्टिस होती है, और पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए तुम्हारी मेहरबानी है, जरा ना क्लियर करके बोला करो। समझ रहे हो ना? सफर कैसा रहा? सफर भी अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा जहाज यूं ही हुआ लेकिन आ गया मैं। आप शोर है, जहाज यूं ही हो रहा था। कभी कभी जहाज की सीटें ऐसी होती हैं ढीली। आप हो रहे थे? नया वाला जहाज था। हाँ, और मैं अकेला था इसलिए जहाज हिल रहा था। जहाज नया था या नया नया जहाज बनना सीखा था? अबे साले ये क्या था? यार सोचने वाली बात है कि जहाज ने यूं क्यों किया? अरे भाई वो तो बड़े मजे से हवाओं में होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आसमानों के ऊपर रोड खराब हो? कुछ भी। हाँ ना यार, अब आसमान के ऊपर जाके रोड को कौन मरम्मत करे, बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए एक बार वो खराब हो जाना तो फिर उसको खराब ही रहने देते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम में आपको कौन सी प्लेयर दी बेस्ट लगती है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी जिंदगी में खवातीन का मैच नहीं देखा। लेडीज वाली बातें होती है, जाके लेडीज से पूछा करो कि आप हमें बताइए आपको कौन सा खिलाड़ी बहुत पसंद है। जी मेरा फैसल भाई से क्वेश्चन है कि आपके ड्रामे कौन चूज करता है? या तो बहुत बड़ी उम्र की औरत के साथ आप होते हैं, उससे आपकी शादी दिखाई जाती है, या छोटी उम्र के साथ, तो दरमियान वाली जो उम्र की है वो कहाँ गई है? वो घर पे। घर पे सही कह रहे हैं वो फैसल भाई। फैसल भाई उस कमीज की जरा है जिसपे लिखा होता है 1 size fits all। यही तो हमारी बातें हैं। ये ही तो बात है भाई साहब, जो दरमियान वाली है जो इसके साइज की है, उसको तो ये पाइन कब का ब्याह के घर ले गए हैं। अब तो ड्रामों में ड्रामे करने होते हैं, तो उसके लिए तो कोई भी चल जाती है, जो मिले शादी कर लो। ड्रामे की स्क्रिप्ट बनाओ, फैसल पाइन को लो, और फिर जो भी मिलता है उसको बीवी बना के ड्रामा शुरू कर दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? कौन सा ऑलराउंडर नंबर 1 है? शादाब खान, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी? आप गूगल में देख लो भाई, क्या बात है सर, गूगल कर लो, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। नसीम शाह यार ये एंकर्स की ना मुझे समझ नहीं आती। अगर आपको इतना ही शौक है कि आपको पता चले कि दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कौन सा है, तो चुप करके गूगल कर लो। अरे भाई उनके स्टैट देखो, उनको कंपेयर करो, खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, मर्चे मसाले लगाने हैं, किसी बंदे से पूछना है, और जरूर पूछना ताकि कल को खबर दे सके। नसीम शाह के मुताबिक फलारा ऑलराउंडर सबसे बेस्ट है, और बाकी सारे मर गए पांडे।
इधर उधर लोगों की आदत होती है ताबिश बातें करने की, लोग करते रहते हैं बातें, सुने दूसरे कान से निकालें। मैं सुनता एक कान से हूँ, निकालता दूसरे कान से नहीं हूँ, कहीं से निकालता हूँ मगर कान से नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दिमाग से निकाल देता हूँ। अच्छा, दिमाग से निकाल देता हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है और निकाल देना चाहिए, वरना एमी पता है बदहजमी शुरू हो जाती है। सही क्या? सही था यार, ये कौन सी साइंस है? बातों से बदहजमी कैसे होती है? बातें तो दिमाग में होती है और ताबिश पानी के मुताबिक वो निकाल देते हैं। तो फिर आज आके मुद्दा ये ही है कि बातों से बदहजमी कैसे होती है? अगर बातों से बदहजमी होती है तो इसका मतलब ये है कि बातें पेट में है, और इस लिहाज से फैसल पान बातें सुनते नहीं है बल्कि बातें खाते हैं। फैसल भाई, ड्रामे फर्क में आप और शाहरुख खान एज अ कपल फीचर हुए हैं, उसमें आपकी और शाहरुख खान की एज में बहुत फर्क है, वो इसी वजह से तो नहीं ड्रामे का नाम फटका दिया? क्या क्या इसीलिए फर्क रख दिया? ये बात भाई साहब क्या दिमाग चलाया यार, मतलब कि ड्रामा मैंने भी देखा थोड़ा बहुत, लेकिन दूर दूर तक मेरे जहन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि इसी वजह से ड्रामे का नाम फर्क रखा गया है। ये मिस्ट्री इस आदमी ने क्रैक की है, क्रैक किया, ये आपके साथ जाएगा। तालियां भाई, ये आपके साथ जाएगा। यार ये हमें भी नहीं पता था, ऑब्जर्वेशन अच्छी लड़के भाई साहब, इस बात में इनाम तो बनता है, इनाम तो मिलना ही चाहिए, और इसका इनाम ना ताबिश पान ने बता दिया। मिस्ट्री इस आदमी ने क्रैक की है, क्रैक किया, ये आपके साथ जाएगा। मतलब कि यार कुछ भी फैसल भाई ने उसका चार डालना है, या फिर वो उल्टबाजियां लगा के इंटरटेन करेगा, या फिर वो रोटियां पका के देगा, मतलब कि यार कुछ तो बताओ वो करेगा क्या, कुछ तो बताओ। खैर भाई लोग, मैं तो ये सोचने जा रहा हूँ कि फैसल भाई ने इसको साथ रख के इसका क्या करेंगे, और इसीलिए मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। भाई बंदा सच में इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है, इतना, या फिर आप इसको क्या कहेंगे यार, कि क्या प्रैक्टिस का सवाल जो था कि कौन सी प्रैक्टिस आ यार, एक क्रिकेटर से किस चीज़ की प्रैक्टिस का सवाल किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, क्रिकेट की प्रैक्टिस नए लड़कों को कितनी करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल था कि आपके कितने बहन भाई हैं? ठीक है, 6 हैं, 2 बहनें हैं बड़ी। उसके जस्ट आफ्टर एक सवाल पूछा गया कि आपका नंबर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है यार, भाई बहनों में आपका नंबर कौन सा है, उसके बाद कई सवाल है। ऐसा नहीं है कि गैप आ गया, एक सवाल बहन भाई का था, उसके बाद कुछ और सवाल, फिर आपसे पूछा आपका नंबर कौन सा है, तब तो बनता है कि जाज का नंबर है। जाज मतलब पाकिस्तान में एक कंपनी है, वो तो मुझे समझ आ गया था कि उसका नंबर बता रहा है। मैं यार शॉक्ड रह गया, मैंने कहा यार बंदा कितना, यार उसके दिमाग में नहीं आया, अगले ही सवाल में ये चीज़ पूछी गई थी और उसके दिमाग में नहीं आया कि ये नंबर बहन भाइयों में पूछा जा रहा है। सच में इतना मासूम है यार, कितना मासूम, कितना क्यूट बच्चा है यार। इसको कुछ पता ही नहीं है कि इस चीज़ के बारे में सवाल हो रहे हैं, और लोगों के बारे में पूछा इन्होंने कि कौन बेस्ट है, क्या है, तो कह रहा भाई गूगल कर लो, कौन बेस्ट है गूगल कर लो, मेरे को नहीं पता। यार इतनी मासूमियत मैंने नहीं देखी भाई, सच में ये मासूमियत ही है या कुछ और है? सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी दूसरे जो थे फैसल, उनसे जो सवाल हो रहे थे उतने फनी नहीं थे, जितने उतना मज़ा नहीं आया उसमें जितना मुझे नसीम शाह का देखने में आया यार। ताबिश की जो पंच लाइन्स होती है वो उसमें देखने में मज़ा आता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार, क्या कहते हो नसीम शाह के बारे में, खासकर बताओ क्या कहते हो, क्या ये सच में इनोसेंस वाला सीन था या फिर कुछ और भुलक्कड़ वाला सीन तो नहीं था कहीं, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।